हेलो, वेलकम टू एनलाइवनिंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड ह्यूमन बॉडी क्वेश्चन पार्ट 2। ये मैं आप तक लेके आ रही हूँ दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीडीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? लिवर है, हार्ट है, स्किन है या किडनी है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों, लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का होता है स्किन। मेड्यूला ऑब्लोंगटा इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। तो दोस्तों, मेड्यूला ऑब्लोंगटा बॉडी के किस ऑर्गन का पार्ट है? लंग्स का, हार्ट का, किडनी का या ब्रेन का? तो इसका सही आंसर है, ये ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगटा। मायोपिया इज द डिजीज कनेक्टेड विद। दोस्तों, मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जो कि किस बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड है? ईयर्स, आईज, लंग्स या ब्रेन? तो दोस्तों, मायोपिया एक डिफेक्ट है, विजन विजन का डिफेक्ट होता है जो कि आंखों से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर है आईज। ल्यूकेमिया इज अ डिजीज ऑफ। तो दोस्तों, ल्यूकेमिया किस चीज की डिजीज है? लंग्स की, ब्लड की, स्किन की या नर्व्स की? तो दोस्तों, ल्यूकेमिया जो डिजीज है वो ब्लड की डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो दोस्तों, रिचेस्ट सोर्स विटामिन सी का क्या है? ग्रेप्स है, आंवला है, पपाया है या ऑरेंज है? तो दोस्तों, आंवला जो है, जिसे इंडियन गूजबेरी भी कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। रिचेस्ट सोर्स है आंवला विटामिन सी का। पायरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ। तो दोस्तों, पायरिया किस किससे रिलेटेड बीमारी है? दांतों से, गम्स मतलब मसूड़ों से, नोज़ मतलब नाक से या डीप थ्रोट मतलब गले से? तो दोस्तों, पायरिया जो है वो मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ। दोस्तों, अपेंडिक्स किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्टमक का या लिवर का? तो अपेंडिक्स हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ब्रॉन्चाइटिस इज द डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो दोस्तों, ब्रॉन्चाइटिस जो है वो किससे संबंधित डिजीज है? ब्लड से, ब्लैडर से, लिवर से या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से? तो दोस्तों, ब्रॉन्चाइटिस जो होता है वो रिलेटेड टू लंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। तो इसका सही आंसर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या लंग्स भी अगर ऑप्शन में होगा तो आप लंग्स भी उसे मार्क कर सकते हैं। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। दोस्तों, डायलिसिस किसके लिए यूज़ होता है? किडनी फेलियर, हार्ट वीकनेस, ब्रेन डिजीज या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों, डायलिसिस हम जब यूज़ करते हैं जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है, तो इसका सही आंसर है किडनी फेलियर, ऑप्शन नंबर ए। रिकेट्स इज द डिजीज ऑफ। दोस्तों, रिकेट्स किससे संबंधित बीमारी है? बोन्स से मतलब हड्डियों से, टिश्यूज से, मसल से या ब्लड से? तो दोस्तों, रिकेट्स जो है वो बोन्स यानी हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। जिस व्यक्ति को सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है या विटामिन डी जो कि होता है कैल्सीफेरॉल वो नहीं मिलता है, तो उसकी कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। इंसुलिन इज सेक्रीटेड बाय। दोस्तों, इंसुलिन कौन सेक्रीट करता है? कौन सी ग्रंथि सेक्रीट करती है? पैंक्रियाज, लिवर, स्टमक या गॉल ब्लैडर? तो दोस्तों, इंसुलिन सेक्रीट करती है पैंक्रियाज। जब पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है उसे, और उसके बॉडी में इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज काफ़ी अनकंडीशनली ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं कर पाएगी इंसुलिन अगर सेक्रीट नहीं होगी तो। द ह्यूमन सेल कंटेन 44 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम, 48 क्रोमोजोम्स या 23 क्रोमोजोम्स? तो दोस्तों, ह्यूमन सेल जो है वो बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स कंटेन करता है जो कि 23 23 के पेयर में रहते हैं। तो इसका सही आंसर है टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि 23 23 के पेयर्स में रहते हैं। तो सही आंसर इसका 46 है।
एंजाइम्स हेल्प इन द, तो दोस्तों एंजाइम्स किस चीज़ में मदद करती हैं? रेस्पिरेशन में, डाइजेशन ऑफ फूड में, इम्यून सिस्टम में या रिप्रोडक्शन में? तो दोस्तों एंजाइम्स हेल्प करती हैं हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.